बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे फाइव प्रैनिक स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ बिजनेस मैसेज और द सेम फाइव प्लानिंग स्टेप्स आर यूज्ड व्हाइल यू आर गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच बिफोर राइटिंग ए मैसेज और बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच यू हैव टू वर्क ऑन दीज फाइव स्टेप्स। ये प्रोसेस है जो हर बंदा अगर इस प्रोसेस को फॉलो करे ही कैन बी अ गुड स्पीकर और ही कैन बी अ गुड राइटर। दोनों सूरतों में ये स्टेप्स फॉलो करने इतने ही जरूरी हैं जितने किसी भी जगह पे कोई भी काम करने से पहले हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग हर चीज के लिए जरूरी है और राइटिंग और स्पीच में हम भूल जाते हैं कि इसमें भी प्लानिंग की जरूरत है। पांच स्टेप्स आपके सामने है। सबसे पहला स्टेप जो है पर्पस ऑफ द मैसेज, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द आइडियाज, तीसरा है एनालिसिस ऑफ द ऑडियंस, चौथा है ऑर्गेनाइजिंग द मैसेज, पांचवा है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स। पर्पस क्या है? आपके कुछ लिखने का या स्पीच का मकसद क्या है? चार मकासद हो सकते हैं। आपके सामने है पहला टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन में क्या आता है टू गिव फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। न्यूज चैनल आप देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आप सोशल मीडिया पे खबरें देखते हैं, या आप स्पीच जब करने लगे हैं इस तरह जब आप कुछ लिखने लगे हैं किसी बंदे को किसी चीज के बारे में किसी प्रोसेस के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, उसने आपसे कुछ क्वेरी की है उसके बारे में आपने उसे बताना है कि ये क्या है। होटल के बारे में पूछा तो आप होटल में काम करते हैं तो आपने होटल के बारे में उसे इंफॉर्मेशन देनी है। आप किसी बड़े इदारे में काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं या एक्साइज में काम करते हैं, आपके पास क्वेरी आई है लाइसेंस कैसे बनाना है या ये टोकन टैक्स कैसे जमा करवाना है, तो आप जो कुछ उसे देंगे वो इंफॉर्मेशन होगी। जब आपसे तारीख के बारे में वो पूछता है, हिस्ट्री के बारे में पूछता है, तो आप वहाँ पर फैक्ट्स बयान करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये चीजें आप उसे एक्सप्लेन करते हैं। ये वन ऑफ द पर्पस ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। अब दूसरा मकसद क्या हो सकता है? परसुएट। आप किसी को परसुएट करना चाहते हैं। परसुएट करना क्या है? किसी बंदे को अपनी राय के बारे में बताना और उसको उसका उस पर कायल करना। परसुएट क्या होता है? टू चेंज समवन्स ओपिनियन थ्रू लॉजिक। आपके पास एक इंश्योरेंस वाला आता है, वो इंश्योरेंस वाला जो है वो आपसे कहता है पॉलिसी ले लें, आप वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ऐसा डाटा बताता है, आपको ऐसे बेनिफिट्स बताता है कि आप उसके नज़रिए के कायल हो जाते हैं। सियासत में भी ये है, मज़हब में भी ये है, आप उसको कायल हो जाते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्विंस किया था परसुएशन के ज़रिए, उनके माइंड उनकी ओपिनियन चेंज कर दी थी। तो कन्विंस करना किसी को किसी चीज़ के बारे में कि वो उस चीज़ पे बिलीव करना शुरू कर दे जिस पे आपका बिलीव है, तो उसको कहते हैं परसुएट करना। टू चेंज समवन ओपिनियन बाय रीजनिंग और एक्सप्लेनिंग। देखिए, एक बंदा कह रहा है फ्रॉक्स आर नॉट गुड बैट्स, अगर फ्रॉक मेक्स द बेस्ट बैट्स बिकॉज, ये बिकॉज जो है इसके साथ ही लॉजिक शुरू हो जाती है, रीजनिंग शुरू हो जाती है। आप एक एक करके उसके बेनिफिट्स कनवाते हैं। जब आप बेनिफिट्स कनवाएंगे तो वो आपकी लॉजिक को आपकी ओपिनियन का के मुताबिक अमल करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे ये परसुएड कर लिया हमने, ये परसुएशन का प्रोसेस था। तीसरा क्या है? The author hold your attention,
आपकी अटेंशन जो है वो होल्ड करता है, मेक्स यू लव एंड मेक थिंग्स इंजॉयबल फॉर यू। ये है एंटरटेन का मकसद। आप ड्रामे देखते हैं किस लिए देखते हैं? एंटरटेन के लिए। पूरे ड्रामे में आप जो है उसको आपकी अटेंशन वो गेन किए रखता है, वो उससे हटने नहीं देता। जितने भी सिटकॉम्स हैं या स्टेज प्लेस हैं या कोई ऐसा एक्टर आता है या सिंगर आता है, वो एंटरटेनमेंट है। ऑथर वॉन्ट्स टू अम्यूज यू और फॉर यू टू एंजॉय द राइटिंग। इस तरह राइटिंग में भी आप ये कहते हैं कि अखबार में भी आप देखते हैं राइटिंग का सेक्शन है, आप टेलीविजन में भी देखते हैं राइटिंग का सेक्शन है। तो ये सारे के सारे जो है ये मकासद है, या ये पर्सुएशन एक चौथा इसका मकसद जो है इंस्पायर करना। इंस्पायर भी ये पर्सुएशन के जरिए है, इसमें भी लॉजिक और रीजनिंग काम करती है। इसमें आप बगैर सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स बता के आप काम नहीं चला सकते, जैसे इंफॉर्मेशन में होता है। आप फैक्ट्स और फिगर्स दे के उसे एक्सप्लेन कर देते हैं, अगला माने या ना माने, पर्सुएशन में आपने उसकी राय को चेंज करना है। इंफॉर्मेशन में आपने अपनी राय उस तक पहुंचानी है। प्रो और अगेंस्ट दोनों किस्म की राय उसके सामने रख देते हैं आप, परसुए वो माने या ना माने, लेकिन परसुएशन में आपकी जो राय है आपने लॉजिक के जरिए, आर्गुमेंट्स के जरिए उसको उस बात का कायल करना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। ये परसुएशन है, ये मकासद है इसके बड़े बड़े। अब इसके बाद आप ये देखना, ये है एनालिसिस करना है ऑडियंस का। पहला क्या है? डेमोग्राफिक्स एनालिसिस। इसमें क्या आता है? जेंडर देखनी है, मर्द हैं या औरत हैं, कल्चर कौन सा है, उस कल्चर में आपने अपने आप को सेट करना है, वर्क कौन सा है, कंट्री कौन सा है, रिलीजन, रेस एंड सो ऑन। ये डेमोग्राफिक्स हैं, ये आपने चेक करनी है उन लोगों की जिनसे आप गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिनको आप एड्रेस करने जा रहे हैं, जिनको लिखने जा रहे हैं। फिर साइकोग्राफिक्स क्या है? उनकी बिलीव्स क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है। स्टूडेंट्स हैं या बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स आपके सामने बैठे हैं या एक लेमैन बैठा है, एक जलसे में, पॉलिटिकल जलसे में उन्होंने उन अवामी नब्ज को समझना होता है, इसलिए वो वैसे नारे लगाते हैं। एक सीरियस थिंकर या सीरियस राइटर जो है वो नारों वाली जुबान नहीं इस्तेमाल करता। सिचुएशनल एनालिसिस करना है, ओकेजन क्या है, किस मौके पर कोई आपने फौजगी पे बोलना है, किसी को फेयरवेल देनी है, किसी का आपने रिटायरमेंट पे बोलना है, किसी को वेलकम करना है, या कोई ऐसी इनॉग्रेशन है किसी प्रोजेक्ट की उस पे बोलना है, उसमें ऑडियंस साइज क्या है, डेट और टाइम क्या है। उस टाइम का भी बड़ा इसमें ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत लेट नाइट है, फिर फिजिकल सेटिंग वहाँ पे कैसी होनी चाहिए या कैसी होगी, आपने उनको कैसे जो है उन तक पहुँचना है, उन तक आवाज़ ऐसे इतनी रखनी है कि सब तक पहुँच सके। एज, रेस एंड एथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक्स, क्लास, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मर्द और हजरात, मर्द और जन कितने हैं, बच्चे कितने हैं। आपने अपने आप से सवाल करना है, हु आर दे, व्हाट इज देयर प्रोबेबल रिएक्शन टू योर मैसेज, प्रोबेबल रिएक्शन टू योर मैसेज, हाउ मच डू दे ऑलरेडी नो अबाउट योर मैसेज, आपके मैसेज के बारे में पहले से कितना जानते हैं, पहले आपका मैसेज इतना पहुँच चुका है, व्हाट इज देयर रिलेशन टू यू, आपसे रिलेटेड है या अजनबी है, या आपको पहले से जानते हैं, आपके वहाँ पहुँचने से पहले आपकी रिप्यूट पहुँच चुकी है या अभी आपने पहली दफ़ा वहाँ पे जाकर गए हैं। तो इस दोनों के लिए डिफरेंट सिचुएशन है। ये सारा एनालिसिस आपने कुछ लिखने से, कुछ बोलने से पहले ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद एनालिसिस कर लिया, पर्पस आपको पता चल गया, फिर है सिलेक्शन ऑफ द आइडियाज। यहाँ पर है व्हाट टू से, क्या कहना है, क्या कहना है।
कैसे कहना है, आपने पर्पस देख लिया कि पर्पस आपका अम्यूज करना है, तो फिर उसी तरीके से आप डिजाइन करेंगे। ये देखिए इतने सारे आइडियाज में से आपने उसको सिलेक्ट करना है द मेन आइडिया। ये देखिए ये आइडियाज, द बिग आइडिया, ये थिंग, ये सारे आइडिया फैक्ट्री, आपका जेन उस वक्त ब्रेन जिम जो है काम कर रहा है, आइडिया फैक्ट्री है, एक के बाद दूसरा आ रहा है, थिंकिंग 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 सॉल्यूशन, ये फिर ये सब कुछ, ये कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ अपॉन द पर्पज यू सिलेक्टेड, आपके मकसद पर डिपेंड करता है आइडियाज की सिलेक्शन, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है जिस सिचुएशन में जाना है, उस कल्चर पे डिपेंड करता है जो कल्चर है। इस सब की एक लिस्ट बनाएं कि आप कहना क्या चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कंसीडर रीडर्स और लिसनर्स पॉइंट व्यू पॉइंट, इसको हम कहते हैं यू एटीट्यूड। इसको क्या कहते हैं, यू एटीट्यूड कहते हैं, यू के बारे में सोचना, स्टेप इनटू द शूज ऑफ योर लिसनर और योर रीडर, उसके बारे में सोचना। जब आप अपने आप को उसकी जगह पर रख कर सोचेंगे तो आइडियाज कैसे प्रेजेंट करने हैं, सिर्फ आइडियाज की सिलेक्शन नहीं है, प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सिलेक्शन ऑफ द आइडियाज। आप ना सिर्फ सही आइडियाज सेलेक्ट कर लेंगे जब आपको ये सारे सवालों के जवाब आप खुद से ढूंढेंगे, और बल्कि आप प्रेजेंट कैसे करना है उसको, पब्लिक को डील कैसे करना है, स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक को डील करना जो है वो और है, और वैसे पब्लिक में खड़े होकर पब्लिक को डील करना दिस इज समथिंग एल्स, दोनों में बहुत फर्क है। फिर इसके लिए आपने आइडिया सेलेक्ट कर लिए, तो आपके पास जो है आपने इकट्ठा क्या करना है, इंफॉर्मेशन उस आइडिया पे, स्टैटिस्टिक्स, आपके नंबर क्या है, अदर्स क्या है, फिगर्स क्या है, डेटा क्या है, फैक्ट्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या कहती है उसके बारे में, ये डाटा फ्लो चार्ट मैंने दिया हुआ है, कलेक्ट डाटा एंड फैक्ट सपोर्ट योर आइडिया। अपने आइडियाज जो हैं वो ऐसे ही ड्राइंग रूम में बैठ के आइडियाज ही लिखने हैं आपने, बल्कि ऐसे आइडियाज जिनको आप फैक्ट्स के साथ, फिगर के साथ सपोर्ट कर सकें, उनको बता सकें कि ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ ये डाटा है, ये डाटा मैंने यहाँ से कलेक्ट किया है, ये क्रेडिबल सोर्स है। स्पेसिफिक होने चाहिए आपकी आइडियाज, जनरल नहीं होने चाहिए, अपडेटेड फिगर्स होने चाहिए। आज से स्पीच कर रहे हैं तो साल पहले के फिगर्स आप उनके सामने ना दे दें, आज आप बात कर रहे हैं तो आज पॉलिसीज में जो चेंजेस आई हैं, फॉरेन पॉलिसी में या वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में कुछ जो चेंजेस आई हैं वो उसके बारे में, अगर प्रोसीजरल चेंज हो गया किसी काम करने का, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसीजर चेंज हो गया, किसी यूनिवर्सिटी में जाने का प्रोसीजर चेंज हो गया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर चेंज हो गया, या उनके वर्किंग प्रोसीजर चेंज हो गया, जिससे आजकल की सूरत हाल में पेंडेमिक में कोरोना ने सारे प्रोसीजर्स और पॉलिसीज को चेंज कर लिया। अब हम इसको एबनॉर्मल नहीं कहते, न्यू नॉर्मल है। तो आपने पॉलिसीज और प्रोसीजर बयान करते हुए ये आज की सूरत हाल को ध्यान में रखना है, और यू नीड टू कोऑपरेट, इसकी तस्दीक हो सके आपके आइडियाज की आपके फैक्ट्स के साथ। आप बी श्योर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, पर्टिनेंट, मखसूस, लॉजिकल, रिसर्च बेस्ड, एथिकल, अनएथिकल आपकी नहीं होनी चाहिए कि किसी एक को, एक कल्चर को आप क्रिटिसाइज करने के लिए दूसरे कल्चर की, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो बायस डाटा है वो नहीं, अखलाकी तौर पर भी आपका कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो अखलाकी बर्तरी भी उसमें हो, कन्फ्यूज आपका डाटा कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, जंबल ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए, केयरलेस कलेक्शन नहीं होनी चाहिए, आपके फ्रेगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, आपने जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात, ख्वाहिश नर्व्स और अपनी जो है थिंकिंग से या सुनी सुनाई बातों पर आपका डाटा वो उस पर सारा ना मुनसर कर रहा हो, उससे ही सारा ना लिया हो आपने, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब मैसेज को ऑर्गेनाइज करना आपने, अब देखें इमैनुअल कैंट का एक ये कोट आपके सामने है, साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज, क्रिश्चियन इज ऑर्गेनाइज लाइफ। अब कैसे करना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं, स्पेसिफिक चीजें देनी है, स्मार्ट कास्ट, व्हाट यू विल डू, एक्शन वर्ड उसमें होने चाहिए। आपने किसी चीज को अवैल्यूएट करना है तो वे जो है उसे बताना है कि इसको अवैल्यूएट करना है, डाटा टारगेट्स के मैट्रिक्स उसे दें,
आप उसे अचीवेबल है या नहीं अचीवेबल है उसे ये आपने बताना है. पॉसिबल टू अकॉम्प्लिश, अटेनेबल, रेलेवेंट है वो, आप जो कुछ भी बता रहे हैं वो रेलेवेंट भी है उसके या ऐसे इररेलेवेंट आप लगे हुए हैं. और उससे उनका बिजनेस जो आप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा अगर किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं, और कब करेंगे, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम उसे, ये सारे के सारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन हर टेक अपने मैसेज की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस स्मार्ट के असूल के तहत करनी है. मटेरियल बिफोर राइटिंग और रिहर्सिंग, राइटिंग और रिहर्सिंग से पहले ऑर्गेनाइज करें आप पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री. आपने आपको अगर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, लिख लिया, रैम्बलिंग, केयरलेस, अनक्लियर, डिसऑर्गेनाइज, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैसेज से आप काट छांट कर लेंगे. जैसे आप रोटी पकाने से पहले आटा शिफ्ट करते हैं तो वो ऊपर वाला भूरा जो है वो ऊपर रह जाता है, नीचे आटा निकल जाता है. ये आपका काम जो है वो छान भूरा निकालने का, ये इधर से हो जाएगा, आप यूजलेस चीज़ें निकाल देंगे. फिर उसे पढ़ें, फिर शिफ्ट करें, फिर एडिट करें. अनइम्पॉर्टेंट और ऑब्वियस फैक्ट, ऐसे फैक्ट्स कभी शामिल नहीं करने जो रीडर को या आपके लिसनर को ऑलरेडी पता है. फिर सेकंड ड्राफ्ट लिखें, फिर उसे पढ़ें. हर इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं, हर डाटा जो आप दे रहे हैं उसे केयरफुली करें, फिर एडिट करें, फिर फाइनल ड्राफ्ट करें, लिखें आप, और उसके बाद जो है क्रिटिकल रीडिंग करें कि आखिर पे भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जो चैलेंज हो सकती है, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन सही नहीं दी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके काम करने के हैं. तो पांच चीज़ें आपको बताई मैंने, प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्पीच, ये किसी भी सिलसिले में ये पांच चीज़ें जो हैं ये हमेशा जो है यही काम आती हैं. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात फिर होगी इसे अगले लेक्चर के बाद, इसे अगले लेक्चर में. उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम.